तो आज रक्षित शेट्टी से पहली बार मिला, बहुत अच्छा लगा। आउट ऑफ ए सरप्राइज एक चांस मिला उनसे सवाल पूछने का। दिल में जितने सवाल थे वो पूछे और मैंने वो एक वीडियो डाला भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पे 80% से ज्यादा सवाल मेरे थे। एक वापस से फुल ऑन एडिट करके वीडियो डालूंगा जिसमें सिर्फ मेरे सवाल होंगे और मेरे सवालों का तीखा जवाब देते हुए नजर आएंगे रक्षित शेट्टी, इस फिल्म की हीरोइन, इसके अलावा राजवीर शेट्टी। और इवेंट के दौरान चार्ली बहुत मस्ती कर रहा था, डॉग जो है, एक 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 बार मेरे पास आया और ऐसे ही सूंघ के चला गया। मैं बोला लगता है पहचान गया। अच्छा लगा। रक्षित शेट्टी बहुत ही डाउन टू अर्थ है। रक्षित शेट्टी के पास जाके मैंने बस उतना ही कहा, सर आई एम ए बिग फैन ऑफ योर्स, ग्रेट वर्क, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिल्म। एंड एक्साइटमेंट में यहां तक कह दिया उन्हें कि सर आपका जो हिंदी ट्रेलर है 777 चार्ली का, उसमें मेरा कमेंट ही सबसे टॉप पे है लाइक्स में। तो सर मेरे चैनल का नाम है बॉलीवुड क्रेजीज। यहां तक भी उनसे मैंने इंटरेक्ट करते हुए कहा एंड ही वाज हैप्पी। उनका रिएक्शन कुछ ऐसे ही था, हाँ बॉलीवुड क्रेजीज, मतलब शायद उन्हें पता है ऐसा। मुझे अच्छा लगा वो बात। स्टिल एनी वेज इट वॉज शॉर्ट एंड स्वीट इंटरेक्शन, बट ए गुड इंटरेक्शन। और मुझे खुशी सिर्फ इस बात की थी कि रक्षित शेट्टी बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं। उनकी फिल्म को मैंने पसंद किया था अपने शिवन नारायणा, जो किसी कारणवश हिंदी में डायरेक्ट रिलीज नहीं हो पाई, बाद में रिलीज हुई। एंड नाउ इनकी जो फिल्म है 777 चार्ली, इसको पूरी तरह से बॉलीवुड क्रेजीज की तरफ से पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से। मुझे पूरी उम्मीद है फिल्म बहुत चलेगी। इसके प्रीमियर्स जो रखे जा रहे हैं पूरे इंडिया में, दिल्ली, अमृतसर, लोग पसंद कर रहे हैं, आंखों में आंसू है लोगों के। और मुझे उम्मीद है ये फिल्म हिंदी मार्केट में भी अच्छी खासी कमाल करेगी। चलिए फिलहाल कितने दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे लिए ये फैन मूवमेंट था और साथ ही साथ राजवीर शेट्टी को देखकर भी बहुत 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 अच्छा लगा। एंड उम्मीद करते हैं वापस से इनके साथ फोटो खिंचाने का बहुत मतलब सामने पहले लोग खड़े थे, मैं सोचा जाके फोटो खिंचा लूं, बाद में फिर थोड़ी देर के बाद मैं वो बोला खिंचाता हूँ, वो थोड़ी देर के बाद खिंचाने का जो मेरा थिंकिंग था उसकी वजह से आज फोटो मिस हो गया, वरना फोटो रक्षित शेट्टी के साथ हो जाता। फिर राजवीर शेट्टी जैसे ही उन्होंने इंटरव्यू दिया वैसे ही वो कहीं चले गए, मुझे दिखाई नहीं दे, मैं उनके पीछे पीछे गया। कम से कम उसे राजवीर शेट्टी के साथ फोटो हो जाए, तो फोटो उनके साथ भी इंटरेक्ट नहीं कर पाया, फोटो ले नहीं पाया, तो थोड़ा बुरा लगा क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। बट वी होप आगे कभी मुलाकात जरूर हो। लव यू ऑल दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। दिस इज माई फीलिंग फॉर मीटिंग राजवीर शेट्टी एंड रक्षित शेट्टी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सोचा आप लोग उसे शेयर कर दो। और रिचर्ड एंड धोनी के बारे में भी एक सवाल अलग से पूछा, वो भी मैं एक अलग से अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए। स्पीक इन लेंथ इन लॉट ऑफ थिंग्स एंड वेरी नाइस पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, बोथ राजवीर शेट्टी एज वेल एज रक्षित शेट्टी।